चीन की शह पर एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाने वाली नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार की अकड़ अब ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। भारत और नेपाल के बीच सीमा में विवाद अब भी जारी है। भारत के सख्त रुख के बाद अब नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। नेपाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब सीमा, अयोध्या और बुद्ध को लेकर विवाद और बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली बीजेपी और आरएसएस के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटी है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक भारत सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले नेपाली विदेश मंत्री प्रवीत गिवली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह भी ली है। नेपाली विदेश मंत्री गिवली ने भी इसकी पुष्टि की है कि भारत के साथ बातचीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इतने सब झमेले के बाद नेपाल को व्यापार में भी करीब $7 बिलियन का घाटा उठाना पड़ा है। दरअसल कोरोना महामारी और भारत की तरफ से कुछ आयातित वस्तुओं के रोके जाने से नेपाल अब घाटे में जाता दिख रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी नेपाल अब दूर होता जा रहा है। साथ ही साथ कुशल श्रम शक्ति नेपाल को बहुत खल रही है, जो ज्यादातर उसे भारत और बांग्लादेश से ही मिलती है। इसी की वजह से अब नेपाल में प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ नेपाल के फुटवेयर के निर्यात में भी लगभग 16.72% की गिरावट आई है, क्योंकि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अपने स्वयं के फुटवेयर ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू करने के फैसले से आयातित उत्पादों में गिरावट आई है। यहाँ आप देखिए, इतने भर से ही नेपाल की कमर टूटने लगी है। जबकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए नेपाल सेना को 10 वेंटिलेटर प्रदान किए थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत भी अभी इस समय कोरोना की मार झेल रहा है, फिर भी उसने पड़ोसी धर्म निभाते हुए गुड जेस्चर के रूप में ये वेंटिलेटर दान दिए हैं। यहाँ भारत ने ये तो दिखा दिया कि भारत नेपाल से नाराज नहीं है, वो तो बस पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है। पर नेपाल जिस देश की कठपुतली बना हुआ है वो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तो ट्रेड के जरिए भारत ने नेपाल को एक कड़ा संदेश जरूर दिया है, ताकि नेपाल की बुद्धि खुले और वो अपने देश का हाल तिब्बत जैसा ना होने दे।